खुश आमदेद कहते हैं आज तो, क्या बात है, रौनक ही अलग है, क्या आप कहने, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेम इट इज। डॉक्टर साहब मैं बात करता हूँ, तुम छोड़ो सर, मैं बात कर रहा हूँ। और क्या हुआ आज, सब खैरियत थी? डॉक्टर इनसे गए वसीम भाई की बात सुनने, बोले अरे आप हैं क्या? जी जी सर, सॉरी यार मुझे याद नहीं। बाद मुस्तफा साहब और डॉक्टर साहब हमारे, तालियां बजा दें भाई दोनों मेहमानों के। सर वैसे तो बताएं, आज फादर्स डे भी है, तो आपकी, आपके वालिद साहब के साथ जो कि खुद बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, कोई खास किस्म की यादें, मार शर खाई आपने, कोई खास याद वाबस्ता है वालिद साहब से आपकी? मैंने कभी मार नहीं खाई। अच्छा, मेरे अब्बू, बाकी तीन हमारे जो बहन भाई हैं उनके साथ अलग रहे, मेरे साथ बिल्कुल ही अलग रहे हैं। ओके। और मेरे साथ दोस्ती है अब्बू की, मैं अब्बू के साथ बहुत ज्यादा मजाक करता हूँ। हाँ, बाकी बच्चे उनको ज्यादा पसंद भी नहीं है, मैं अच्छा तो मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद, तो आपका ताल्लुक अलग ही रहा है बिल्कुल। हमारा अलग ताल्लुक है, आज भी मैं उनके घर पर उनको मिठाई देने के लिए गया था, बाकी सारे हमारे बच्चे हमारे साथ केक काटते हैं। हाँ। जो उनका दिल करता है बच्चों का वो करने के लिए, मैं उनके लिए गुलाब जामुन लेके गया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने दबा के खाई। क्या बात है, एंजॉय किया। अब मुझे ये तो बताएं जरा, ये जीतो पाकिस्तान में इनको समझाना कितना आसान या मुश्किल होता है कि ट्रेजर बॉक्स में क्या है, दो गाड़ी है और ये है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, काम कोई और कर रहा है जीतो पाकिस्तान? ये समझदार बच्चा है, इसको सब पता है कि क्या करना है, और इसको ये भी पता है कि कौन प्यारा है कौन नहीं है, और ये तो ये सच बताता है मुझे। अच्छा। फिर कहता है मेरी मजबूरी, फात भाई आप समझे, ये भी कहता है उधर भी जाना है, वो मैं शो करता हूँ दो। उस दिन मुझे कह रहा था आपको पता है फात भाई उनके साथ क्या हुआ, तो भाई डॉक्टर साहब के साथ जो है ना यॉर्कर राउंड, अभी से शुरू यॉर्कर राउंड की तरफ बढ़ते हैं जरा। कराओ कराओ, चलो आप बिजी हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब हाँ या ना में जवाब देना है आपने। जी। बहुत तंग कर रहे ना फहद, अब आज तेरा फैसला हो जाए। वसीम भाई, याद रखो फहद भाई वसीम भाई से ज्यादा अच्छे हैं, हाँ या ना, ये आज फैसला होगा। आज जो है ना भाई प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा इसके बाद, बताया मैंने। अरे कह दो ये अच्छे हैं, खैर हो गई, क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप गुस्सा करेंगे यार, आप गुस्सा करते, बच्चा राज खोल रहा है, आप गुस्सा यार फहद भाई, आप गुस्सा करेंगे। हाँ करूंगा गुस्सा, समझे, बोल जरा देखो पता चला। अब हाँ या ना में डॉक्टर साहब का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। अच्छा तुम्हें भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, मतलब कुछ तो इंसान सच यार हाँ तो भी। इस फसाद की बुनियाद आपने रखी, आप मुझे एक मिनट। मैं नाजरीन, आपने देखा है इस नशिस में हमने बड़े बड़े सियासतदानों के इंटरव्यूज किए, हमने उनको दिखाया कि सर आप उस दिन तो ये कह रहे थे और उस दिन ये कह रहे थे, तो आपका ये बयान सचता है ये बयान सचता। आज मैं एक बच्चे को एक्सपोज करने लगा हूं आपके सामने, जरा देखिए जीतो पाकिस्तान के एक एपिसोड में फहद मुस्तफा साहब के सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने ये कहा, दिखाएं जरा। गलत बात भाई, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे तू बादामी को भी रोज यही बोलता है, तू मुझे उसको तूने प्यारा बोल बोल के जो है उसको दिमाग चढ़ा दिया उसका। भाई फैसला कर ले कौन ज्यादा प्यारा है, मैं या बादामी, फैसला करो आज, बता के जाओ आप। अरे आज एक और एपिसोड था जीतो पाकिस्तान का, उसमें भी डॉक्टर साहब ने कुछ शरारत की, वो भी देखें जरा, मैं एक्सपोज करता हूँ, दिखाएं जरा। बादामी को बोल दो आप आज अच्छे नहीं लग रहे थे, बोल दो। अच्छे लग रहे थे ना। अच्छा इतना बोल दो कि आज फहद भाई आप ज्यादा अच्छे लग रहे, ये बोल दो फहद भाई आप ज्यादा। वसीम भाई, और फिर जब हमने शान रमजान में बुलाया डॉक्टर साहब को कि ये आपने क्या बयानात दिए, तो डॉक्टर साहब ने किस तरह एक सियासी बयान दिया वो भी देखें जरा, ये देखें। कल फहद भाई के प्रोग्राम में क्या कहा था आपने? परसों, परसों नहीं, कल भी कुछ कह कर आए। अच्छा कल भी जी, क्या 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 कहा था फहद भाई को? वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था। ये मजाक हो रहा है, बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर है यार, बच्चा सबको खुश रखता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वसीम भाई सही है भाई, हमें लगता था ये खाली PSL के स्कोर कार्ड में आपके साथ होती है, आपके साथ तो वैसे भी हो रही है भाई। तो इसके चक्कर में एक्चुअली हम दोनों के साथ हो रही है। वे वे। चलो भाई अब हाँ या ना राउंड आगे बढ़ाते हैं, दोनों से सवाल आते हैं। ये डॉक्टर साहब आपसे शान रमजान मुझे बहुत याद आता है, हाँ या ना? ना। हाँ हाँ निकल ही नहीं रहा तेरे। ओके कभी कभी मुझे जीतो पाकिस्तान भी याद आ जाता है। हाँ, क्या सवाल हुआ? कभी कभी नहीं, हर रोज आता है।
देखो इससे इससे ऑडियंस फैसला लगाए तुम्हारे पहले सवाल पे उसने कहा वो भी निकला नहीं हाँ रोज आता है यार हद है यार मेरा भाई ब्रेक का टाइम नहीं हो रहा है जी भाई जिस तरह मुझे शाने रमजान याद आता है उस तरह मुझे जीता पाकिस्तान उसी तरह याद आता है बैलेंस हो गया भाई हाँ भाई मुझे अभी से लग रहा है ये बच्चा बड़ा होके फवाद चौधरी बनेगा ये मैंने नहीं कहा फवाद भाई ये मैंने नहीं कहा अच्छा ठीक है नहीं नहीं ना आपने ये कहा है ना उस किड से आपका ताल्लुक है आप तो मेहमान है आपको क्या पता थैंक यू मैं कह रहा हूँ मैं गारंटी दे रहा हूँ फवाद फवाद के हवाले से जो बात अभी मुझे फहद ने बताई थी उससे नहीं सर और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं हाँ, यहाँ हाँ, से जो भी बात आप लोग सुन रहे हैं हाँ, हम फॉरेनर्स हैं हमारे ऊपर डबिंग हुई भी है हाँ, अच्छा ठीक है फहद भाई हाँ या ना सियासत नगर में आ गया तो रोजाना लोगों को बाइक दूंगा नहीं भाई मैं सियासत में आना ही नहीं आना ही नहीं कभी भी नहीं आना मैं वैसे ही दे रहा हूँ वैसे ही ठीक है फहद भाई तीन गेम शो होस्ट हैं आप बताएं ना आपके ख्याल में सबसे अच्छा इनमें से कौन है ठीक है आप हैं माशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम के नजदीक आप हैं माशाल्लाह दानिश तैमूर हैं ठीक है करते हैं फैसल भाई ने भी किया फैसल और आमिर भाई भी करते हैं आमिर जी बिल्कुल आप एज अ व्यूअर आपके ख्याल में क्या 1 2 3 मुझे ऐसा लगता है आमिर भाई से बड़ा एंटरटेनर इस मुल्क में नहीं है हम सब इस बात को मानते हैं ये बात सही है और हर फन मौला भी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही बात है ठीक भाई जरा कुछ खाली जगह पूर करने वाला एक है हमारा वो सेगमेंट खेलना है ठीक है चलो भाई खाली जगह पूर करने गुगली से आगाज करते हैं साउंड का बाद भाई आपसे सवाल आते हैं सर जीतो पाकिस्तान शुरू करने का क्रेडिट डैश को जाता है ARY के हर एक आदमी को जाता है जीतो पाकिस्तान में मेरा फेवरेट मेहमान डैश है मेरा फेवरेट मेहमान वसीम बादामी मुझे बहुत मजा आता है ऑनर सर और जो जिस मेहमान ने बहुत लंबी की है वो कौन है बहुत है ऐसे अच्छा ऐसे बहुत अक्सर होता क्या है हाँ। जो लोग आते हैं ना जैसे अब 10-20 तोले के लिए जब आप खेलने आते हैं तो वो बहुत सारे बहुत बार बहुत सुन होते हैं हाँ। तो वो जब सुन आ जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उनके साथ जैसे एक मुझे दोस्त याद है हाँ। वो 50 तोले जीत के गया था हाँ। मैं था उस शो में तो उसको आप 50 तोले के बाद भी वो ऐसा था जैसे पता नहीं बड़ा एहसान किया ठीक है बस हो गया ओके मैंने कहा यार मुस्कुराते मतलब कुछ जी अच्छा वो वाला चक्कर और मुझे याद है उस दिन आपने बैक स्टेज मुझसे क्या कहा था कि यार मतलब 50 तोले ओके ओके ठीक डैश पाकिस्तान का बेहतरीन होस्ट है बेहतरीन होस्ट हाँ. है मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान के होस्ट आप सबसे अच्छे होस्ट हैं भाई खुली तारीफें हो रही हैं आज तो तनवीर भाई ऐसी बातों के बाद ना अक्सर कट लगता है और नॉर्दर्न एरियाज में गाना चल जाता है पाकिस्तान का सोशल मीडिया डैश है फारिग है कहीं का भी सोशल मीडिया फारिग है हाँ ओके सही है डाक साहब से कुछ पूछे सर खाली फारिग है ओ डाक साहब डैश है हसीन है अच्छा और इकरारुल हसन डैश है बहुत तेज वसीम बदामी डैश है बहुत मासूम है डैश तो है डैश तक मैं एग्री करता हूं मुझे लगता है वसीम आदमी डैश ही ठीक है डैश तक मैं एग्री करता नहीं नहीं डॉक्टर साहब बड़ा होकर मैं डैश बनूंगा वसीम बादामी बनूंगा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर अरे वाह माशाल्लाह फिर भी हमें खुश नहीं होना चाहिए जो कि डॉक्टर भी हैं इस फील्ड में ऐसे ही ना समझेंगे डॉक्टर बन के हमारे इस शो में हर लम्हा पूछो मुझे सबसे ज्यादा तंग डैश करते हैं इस शो में सबसे ज्यादा तंग मुझे हादी भाई करते हैं। बच्चों को तंग कर रहे हो यार बच्चों को मैं तो प्यार करता हूँ आपके जो बड़े भाई हैं अबुबकर साहब और छोटे भाई उमर साहब मेरा बड़ा भाई डैश है जबकि मेरा छोटा भाई डैश है ये बताएं मेरा बड़ा भाई हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह और मेरा छोटा भाई सबसे शरारती है डाक साहब ब्रेक पे जाना है मैंने एक कश्ती है पहले आपकी फिर आपकी ठीक है उस कश्ती आपको ना रोजाना हमारे पास कश्ती होती है मैं चला रहा हूँ साथ आप बैठे ड्राइवर कश्ती के ये है ये बात मैं हूँ और साथ में आप बैठे इधर बैठे फहद भाई इधर बैठे इकरार भाई किसी एक को तो उतारना ही पड़ेगा बच जाएगा जो उतरे को बच जाएगा स्विमिंग करके पहुंच जाएगा किसी एक को मुझे स्विमिंग नहीं आती मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात ठीक है किसी एक को वसीम भाई हाँ मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं
मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद उतर जाता हूँ। अरे ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये बन रहा है पॉलिटिशियन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सियासतदान बन नहीं रहा, सियासतदान बन गया है। बेटा तुम इस्लामाबाद का रुख करो पहली फुर्सत से। सही है भाई, सही है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज। पहुँचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।